भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के अंतर्गत जनपद में सर्वाधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले 10 किसानों को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के किसानों की फसल को बाढ़ एवं अन्य आपदा से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें अधिक से अधिक किसानों को समाहित करते हुए उनकी फसलों का बीमा ससमय कराया जाए। उन्होंने बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराते हुए किसानों की फसलों का बीमा सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही गांव-गांव बीमा के लिए कैंप भी लगाया जाए एवं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की भी मदद ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक भी जनहित के इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए किसानों की फसलों की बीमा प्रीमियम को समय से काटते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड भी करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप निदेशक कृषि संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान ने कहा, पिछले सीजन में जो ज्यादा क्षतिपूर्ति वाले किसान हैं उनको प्रशस्ति पत्र देंगे, प्रचार प्रसार करके बाकी किसानों को रिप्रेजेंट करना है। दो वैन वहाँ से मुख्यालय से टैग ऑफ होंगी, जिसमें से एक गोरखपुर भी आएगी और गोरखपुर में कैंपियर का अंतर चयनित है, कवरेज अपेक्षाकृत संख्या के हिसाब से कम भी है, वहाँ से एक संगठन कैंपेन चलाना है। तो ये मुख्य कार्यक्रम है और उसके बाद हम लोग जनपद स्तर पर एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें सभी स्टेट का वोटर इन्वॉल्व रहेंगे। 30 जुलाई तक प्रक्रिया जरा समझा दीजिए ताकि मीडिया वाले भी प्रचार तुम नोट कर लो। कल मेनली इसलिए कार्यक्रम है ताकि 30 दिन हम लोग के पास है। पिछले साल बहुत किसान ने फायदा लिए हैं, सबसे ज्यादा हम ही लोग इन्हीं लोग ने पेमेंट किए प्रदेश में। कितने पेमेंट किए हैं, कितने किसान का लाभ मिला है, तो इस बार जो 30 दिन बचा हुआ उन लोग का कैसे करना है वो जरा लिखित एप्लीकेशन दे दें कि हमें इस योजना में भाग नहीं लेना, उस कंडीशन में वो योजना से बाहर हो जाएंगे। अगर जो किसान के द्वारा एप्लीकेशन लिखित रूप से बैंक, गैर ऋणी कृषक होते हैं सर, गैर ऋणी कृषक वो अपने किसी नजदीकी बैंक शाखा से भी बीमा करवा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। और उसके लिए सर हमारा कॉमन सर्विस सेंटर जो भारत सरकार की तरफ से अथॉराइज्ड है, जितने भी जनपद में कॉमन सर्विस सेंटर है फार्मर्स वहां से भी अपना बीमा करवा सकता है। आज लखनऊ से गाड़ी हरी झंडी मिल रही है, वो गाड़ी आज शाम तक जनपद में आ जाएगी, कल आपके द्वारा हरी झंडी दे करके वो जनपद में रवाना हो जाएगी। हमारा जो है ना, याद होगा कोरोना के पहले हम लोग प्रधानमंत्री किसान का लगभग 6 लाख किसान है उनका सभी का केसीसी में कन्वर्ट करने का अभियान चले थे, बस इतफाक से वो आ गया था 1.5 साल पहले से कोविड हो गया, उसी का अभियान थोड़ा हम लोग उतने सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। पोटेंशियल लगभग 4-4.5 लाख का पोटेंशियल है, तो केसीसी भी पर्पस हो जाएगा और इंश्योरेंस का भी पर्पस कवर हो जाता है और आपका प्रायोरिटी सेक्टर में भी पूरा वो हो जाता है। तो इस पर थोड़ा आपका जो सर्विस एरिया है उसका कंसर्न बैंक इंटरेस्ट ले लें। अभी तो 30 दिन अभी हम लोग एक तरफ से अभियान चला रहे हैं, तो मोटिवेट करिए, प्रेरित करिए, तो अच्छे दिखाते हैं और किसान को भी, और भी किसान को प्रेरित करिए। जी सर, बताइए वो लोगों को भी प्रेरित करिए बीमित कराने के लिए, बताइए आपसे प्रदेश में हमेशा नंबर वन रहना चाहिए। विकास कुमार, चलिए बताइए आप सभी को।
देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही आधुनिक फायदामंद योजना है। एक उदाहरण गोरखपुर का ही, पिछले बाढ़ में जो कितने किसान का प्रभावित हुआ है, और तकरीबन 20,000 किसान का उसका लाभ मिला है गोरखपुर जनपद में अकेले। उस पर 17 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा के रूप से इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से दिलाया गया है। और सभी किसान को मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वैसे आप जानते हैं गोरखपुर तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, इसमें हमेशा 400 से 500 गांव हमेशा पानी से घिरा रहता है बरसात के मौसम पे। आप लोग अपने फसल का ज़रूर बीमित कराइए। वैसे केसीसी किसान को वैसे ऑटोमेटिकली बीमित कराने की प्रक्रिया है, उसके अलावा बाकी किसान हैं जो केसीसी का लाभ नहीं मिला है, केसीसी से कवर होने नहीं चाहते हैं, वो भी अलग छोटी सी जो 200-300 रुपया का प्रीमियम देख के वो भी अपने फसल को बीमित करा सकते हैं। उसी का लाभ आज आपके सामने आप देखे होंगे, एक एक किसान का 3-4 लाख तक का मुआवजा मिला है उन लोग का, और तुरंत मिल जाता है, खाता में मिल जाता है, और भले उनका फसल तो नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, बट उनका आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये अच्छा योजना है, 30 जुलाई तक इसका समय है। ज़रूर आप नज़दीकी CAC केंद्र में संपर्क करते हुए कर सकते हैं, नहीं तो बैंक से संपर्क करते हुए कर सकते हैं, पर ज़रूर आपका जो भी खेती बाड़ी है उसको बीमित करा दीजिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। और गोरखपुर जनपद में हम लोग 17 करोड़ रुपया बांटे हैं, अगले बार उम्मीद करें और हम तो कम से कम तो 30-40 करोड़ रुपया किसान के लिए बांटने के लिए हो जाए, और ज़रूर आप लोग उसको लाभ उठाएं। सर, बटाईदार किसानों के लिए इसमें कुछ जोड़े गए हैं? इस साल जो बटाईदार किसान के लिए भी उसको प्रोविजन दी गई है, ताकि बहुत सारे किसान अपने खेत का खुद नहीं करते हैं, कुछ हिस्सा वो करते हैं, कुछ हिस्सा वो बटाई पे दे देते हैं, उस पर बटाईदार का एक छोटी सी प्रमाण पत्र आ जाए, उसी से वो जो बटाई पे जो किसान है उन्हीं का मुआवजा मिलेगा, उनका खाता में सीधे पहुंच जाएगा। वो भी एक नया प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है, उसको भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं।